हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद अदर चैनल। और आज मैं आपके साथ ये यूपीएसआई का 2017 का पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। यूपीएसआई की जैसे कि वैकेंसी आने वाली है तो उसका पेपर देख लेना ठीक रहेगा। जो लेटेस्ट पेपर है, लेटेस्ट पेपर आपका 12 दिसंबर 2017 और 20 दिसंबर 2017 को हुआ था। आज की क्लास में हम लोग 12 दिसंबर 2017 वाला डिस्कस करेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूपीएसआई के पेपर में आपका हिंदी पूछा जाता है, जनरल हिंदी आपसे पूछी जाएगी। तो हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। एक दो क्वेश्चन हम लोग देख भी लेंगे। तो पूरा पेपर आप लोग, मैं लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। संसार में सभी तरह के लोग होते हैं, कोई उदार तो कोई धनवान तो कोई किस सही, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स करते हो इंग्लिश में, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 में तुमको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, अब जैसे कोई धनवान तो कोई धनवान है, तो इसका मतलब दूसरा निर्धन होगा। ठीक है, तो कोई धनवान तो कोई निर्धन, कोई उदार तो कोई संकीर्ण, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। जब एक ही लेटर को बार बार रिपीट किया जाता है तो वो अनुप्रास अलंकार हो जाता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम है, तो इसमें र वर्ड की पुनरावृत्ति हुई है, र शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, मीन्स जो र वर्ड है वो बहुत बार रिपीट किया गया है, तो रघुपति राघव राजा राम में अनुप्रास अलंकार। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? देवनागरी। अल्पहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश हटिए जो कम खाता हो। ठीक है, अल्पहारी का मतलब होता है जो कम खाता है। जयद्रथ वध किसने लिखी है? मैथिली शरण गुप्त ने। अब देखिए, ये याद करने वाला हो गया, ये तो आपको याद होना चाहिए। ढोल के अंदर पोल, दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं। इस तरह से आपसे मुहावरे भी पूछे जाते हैं, जैसे आपसे कोई यहाँ पे एक मुहावरा पूछ लिया, ढोल के अंदर पोल। तो ये तो हिंदी वाला हो गया, मतलब एक क्वेश्चन ढाई नंबर का है। देख लीजिए, एक क्वेश्चन ढाई नंबर का है। ठीक है, तो हिंदी के टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं वो देखना पड़ेगा। अब पूरा पेपर तो आप लोग खुद ही देख लोगे, ठीक है, या एक एक करके हम लोग देख ही लेते हैं सारे क्वेश्चन। चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा, कोष्ठक में दिए गए शब्दों का वचन बदलिए। तो भेड़ बकरी, मतलब वो बहुवचन होना चाहिए, तो भेड़ बकरियों होना चाहिए। उसकी बात का कोई उत्तर ना दे सका, सब निरुत्तर हो गए। ठीक है, लोग आजीवन टट्टू की तरह जुते रहते हैं, टट्टू का बहुवचन होता है टट्टुओं। निम्न विकल्प में से सही विकल्प हटिए। आई थिंक आप लोग ये काम तो अपने आप ही कर लोगे, ये पूरे क्वेश्चन देखना, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। हम लोग बस ये देख लेते हैं हिंदी के कितने क्वेश्चन आते हैं। हिंदी के आपके क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर टोटल देखते हैं, सॉरी 40 क्वेश्चन है। टोटल 40 क्वेश्चन है हिंदी के, और स्कोरिंग है, मतलब हिंदी वाला पार्ट उतना डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट जो शुरू हो रहा है वो बेसिक लॉ कॉन्स्टिट्यूशन जनरल नॉलेज, बेसिक लॉ कॉन्स्टिट्यूशन जनरल नॉलेज, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और इसमें इकोनॉमिक्स और मतलब जनरल नॉलेज है तो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द थ्री पिलर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के थ्री पिलर क्या होते हैं? तो लैंड, लेबर, कैपिटल। सही है, प्रोडक्शन करने के लिए लैंड, लेबर और कैपिटल की जरूरत पड़ती है। इसके बाद देखिए, आपसे ये पूछा गया, द साइज एंड द शेप ऑफ द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी आर डिटरमाइंड बाय एन इंडिपेंडेंट व्हिच एम्स टू क्रिएट कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, मतलब जैसे अभी आपने देखा ना, तेलंगाना का स्टेट बना था, तो इंडिया में अगर किसी भी टेरिटरी को डिमार्क करके दूसरी टेरिटरी बनाई जाती है तो उसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन को इस्टेब्लिश किया जाता है। इसमें इंडियन पीनल कोड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे आएंगे, आईपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे, तो वो भी आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्करेंट लिस्ट से है, मतलब आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्वेश्चन आए हैं वो डीप है, तो आप लोग को एक बार लक्ष्मीकांत से पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, सॉरी। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का क्वेश्चन है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का क्वेश्चन है, सार्क कंट्रीज के बारे में है, मतलब ये जनरल नॉलेज का पूरा हो गया। तो जनरल नॉलेज और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपसे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं, आईपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, करंट अफेयर भी इसी के अंदर पूछा जा रहा है। चलिए, तो आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, ये पढ़ने वाली चीज़ है। अगर आप पढ़े रहेंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, कंप्यूटर से रिलेटेड को, लेकिन ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है कंप्यूटर से रिलेटेड की। आपको देखो, इंडियन पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़ेगी। ओके, और कुछ है इसमें, माइनॉरिटी कमीशन पूछा है,
आरटीआई के बारे में पूछा है, फंड टैक्स, करेंसी ट्रांजेक्शन टैक्स, वही इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है. वो वॉज द आई महात्मा गांधीज प्रिफर्ड डी. हिस्ट्री से क्वेश्चन है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से. देखिए ये सेक्शन में क्या है ना, आपसे जनरल नॉलेज पूछी जा रही है, तो पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कुछ भी पूछा सकता है, आईपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी है. तो एक बार आप पेपर को गो थ्रू जरूर करिएगा. हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो बहुत आसान क्वेश्चन है. तो कुछ सिटर्स भी हैं, कुछ डिफिकल्ट भी हैं. चेंजेस इन नेचर मेड बाय पीपल इज कॉल्ड कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक. ठीक है, मैन रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी तो वो एंथ्रोपोलॉजी या एंथ्रोपोजेनिक ऐसी होगी. केसेस के बारे में पूछा है कि ये केसेस किसके बीच था, कौन जज था उसमें. मीजल्स के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी वैक्सीन होती है, बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है. ओके, इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, पनामा कैनाल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया. देखिए ज्योग्राफी से रिलेटेड लोकपाल बिल. ओके, मैं बस एक सरसरी निगाहों से इसको देख रहा हूँ ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए कि क्या पूछा जा रहा है आपसे एग्जाम में. ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है. देखिए सिलेबस देखना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन किस टाइप के आ रही है ये देखना जरूरी है. हु वॉज द डी फैक्टो रूलर आफ्टर जहांगीर. ठीक है, देखिए हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया. ऑन विच डे वॉज द हैंड रिटन. ठीक है, स्टडी ऑफ रूट, पोमोलॉजी, ये तो वैसे भी मैं अपनी वीडियो में पहले पढ़ा ही चुका हूँ आप लोग को कि लॉजीज के बारे में मैंने पढ़ा रखा है. साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वही ठीक है, नॉर्मल आपका जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन है. अब आ गया मेंटल एबिलिटी. अच्छा, इसमें कितने क्वेश्चन थे इसके, आपका वो खत्म हुआ था 40 में, 39 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन इसके भी हैं. मतलब 40 क्वेश्चन आपके हिंदी के थे, 40 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज और इंडियन पीनल कोड और इंडियन पॉलिटी के हैं. और अब मैथ्स के भी 40 ही क्वेश्चन होंगे. मैथ्स में सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए, वाई इज इक्वल टू 3 + 2 √2. इसका ये अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हो, और हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है. अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हो तो सिंपल है. तीन बेल रिंग करती हैं, 30, 40, 45, ये LCM से रिलेटेड क्वेश्चन है, LCM से रिलेटेड है. रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आ गया, देखिए रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है. डाउन स्ट्रीम, ठीक है, ये भी आपका बोर्ड स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट. कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन देख नहीं रहा है मुझे. नॉर्मल अगर आप SSC की प्रिपरेशन करते हो तो मैथ्स तो केक वॉक होगा, मैथ्स में तो फुल में फुल नंबर आएंगे. प्रॉफिट लॉस रिलेटेड क्वेश्चन है, और आपका ये तरुण और रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपका लार्जेस्ट नंबर है, ये आपका सिमिलर ट्राइंगल्स वाला है, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है. प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है, प्रोबेबिलिटी भी आपको आनी चाहिए. मैथ्स डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको सारे टॉपिक पढ़े हुए होने चाहिए आपके. ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, पावर्स एंड इंडेक्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आया है. मतलब मैथ्स तो करने लायक है यार. प्रोबेबिलिटी से अगेन एक और क्वेश्चन एक आया है, नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन आया है, और आपका प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आया है, और आपका फिर एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, फिर आपका ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड फिर क्वेश्चन आया है. अब ये आपका क्वेश्चन आ गया है रीजनिंग वाला, कि जब कोई दिन दिया रहता है तो दूसरा दिन निकालना रहता है. फिर आपका रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, फिर आपका मैथमेटिक्स, ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया, मतलब सारे टॉपिक पढ़े होने चाहिए. और फिर आपका ये सेक्टोरल आउटले है, सिंपल क्वेश्चन है, सारे सारे के सारे नॉर्मल करने लायक क्वेश्चन है, हो जाएगा. मैथ्स में भी आपके 40 क्वेश्चन है. फिर आपके रीजनिंग में भी देखिए, रीजनिंग में ये जो SSC की रीजनिंग आप करते हो वही रीजनिंग है. रीजनिंग जो पूछी है आपसे SSC वाला, पेपर ड्यूएबल है यार, पेपर ऐसा है कि आप बड़े आराम से कर सकते हो. कट ऑफ आई जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके आने होंगे, और कोई तरीका नहीं है. ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके आओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, उसकी चिंता मत करना. ठीक है, तो कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर तो नहीं बनाया है. अगर ध्यान से देखोगे रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग में देखो क्या क्वेश्चन है. रीजनिंग में तुमसे पूछा गया है यहाँ पर ये वाली रीजनिंग, ये देखो पेपर कटिंग वाली रीजनिंग पूछी है, पेपर कटिंग वाली. फिर तुमसे डायग्राम में फिट करने वाली, फिर एनालॉगी वाले क्वेश्चन पूछे हैं, और फिर तुमसे वो स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट और स्ट्रॉन्ग वाले क्वेश्चन पूछे हैं. फिर तुमसे कोडिंग, डिकोडिंग पूछी है. फिर तुमसे हाँ मोस्टली वही फिगर वाले क्वेश्चन है. और फिर हमसे पूछा है वही एनालॉगी वाला क्वेश्चन है. और फिर ये स्टेटमेंट एजम्पशन वाले क्वेश्चन हैं. फिर वही ऑड मैन आउट वाले क्वेश्चन हैं. और ये डेटा सफिशियंसी रिलेटेड वाले क्वेश्चन हैं. और ये ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन भी हैं. और ये देखो फिर ये कोडिंग डिकोडिंग में अल्फाबेटिकल कोडिंग वाले क्वेश्चन है. डायरेक्शन वाले क्वेश्चन भी है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाले. और हाँ ठीक है, करने लायक सारे नॉर्मल, बड़े सिंपल है. अगर बस आपने पढ़ा होगा तो आप कर ले जाओगे, बस स्पीड मैटर करेगी, कितनी स्पीड से करते हो. ठीक है, और आपका ये डेटा इनसफिश, अच्छा ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, ये होता नहीं, जब कोई सेलेक्ट, किसी को सेलेक्ट करना है तो कुछ क्राइटेरिया होते हैं वाला क्वेश्चन.
इनपुट आउटपुट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है, इनपुट आउटपुट से रिलेटेड क्वेश्चन भी है, और ये आपका फिर वही कोडिंग डिकोडिंग है, फिर वही नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर कोडिंग डिकोडिंग है, पजल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया है, डेटा सफिशिएंसी है, ठीक है। 40-40 टोटल आपके देखिए यहाँ पर कितने क्वेश्चन हो गए, 40 उसमें भी हो गए, 40 हिंदी में, 40 उसमें, 40 उसमें, ठीक है। तो काफ़ी सही है पेपर में, अगर ध्यान से देखोगे तो आराम से डूएबल है, ठीक है। तो पेपर ज़रूर देख लेना एक बार, मैंने डाउनलोड करके नीचे दे रखा है, उसको एक बार ज़रूर देख लेना, पेपर आसान है, ठीक है। और वीडियो में आप लोग कमेंट्स करके बताना किस चीज़ का आपको वीडियो चाहिए, फॉर्म आएगा ज़रूर भरना, ठीक है। थैंक यू।